प्रवीण और मैं आज आपके सामने लेकर आया एक ऐसा कोर्स जो CSIR नेट फिजिकल साइंस गेट टिफर और चेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है मेरा गामा रेडिएशन एंड मल्टीपोल ट्रांजिशन। और इसमें उसके सिलेक्शन रूल्स भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज हम अपने इस कोर्स के पहले लेसन में पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ गामा रेडिएशन एंड मल्टीपोल रेडिएशन के बारे में। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं पहला अपना लेसन, जिसका नाम है गामा रेडिएशन। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेडिएशंस बाहर आते हैं, क्योंकि वो होता है अनस्टेबल। तो जबकि वो अनस्टेबल होता है तो उसको स्टेबिलिटी लेनी है, तो स्टेबिलिटी लेने के लिए वो अपने पाथ में मूव करने के लिए, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, अपने आप को स्थिर रखने के लिए रेडिएशन इमिट करता है। तो वो बेसिकली तीन तरह के रेडिएशन इमिट करता है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेडिएशन। तो बट हम अल्फ़ा बीटा के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि अल्फ़ा जो कि होता है पॉजिटिवली चार्ज नेचर का होता है, और उसे बेसिकली हम हीलियम पार्टिकल बोलते हैं, और बीटा जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी हम उसे इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, और गामा जो कि न्यूट्रल होता है। तो इसे हम समझते कैसे, जस्ट सपोज आपके पास एक ओवन है और उसमें हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रख दिया है, और यहाँ पर ही दो मेटल प्लेट रख दिए हैं, और एक साइड पॉजिटिवली चार्ज रखा गया है और एक साइड नेगेटिवली चार्ज रखा गया है। तो अगर हम इसमें से रेडिएशन, तीनों रेडिएशन निकलते हैं, तो अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव नेचर के होने के कारण ये नेगेटिव प्लेट्स की ओर मूव करता है, और बीटा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करता है, जबकि इसका नेचर होता है नेगेटिव। तो दैट्स वाई इन दोनों का डेविएशन तो देखने मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, बट गामा रेडिएशन जो कि न्यूट्रल होता है वो सीधा अनडेविएटेड होकर निकल जाता है। तो गामा रेडिएशन को हम कह सकते हैं कि गामा रेडिएशन एक ऐसा रेडिएशन है जिसका जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके गाइस, फिर देखिए, तो हम गामा रेडिएशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो इसके पास रिमार्केबल पेनिट्रेटिंग पावर होता है। रिमार्केबल पेनिट्रेटिंग पावर कहने का, पेनिट्रेट करने का मतलब, जैसे कि आपके पास कोई वॉल है, तो अगर हम इसमें से अल्फ़ा रे, बीटा रे और गामा रे तीनों को पास कराते हैं, तो अल्फ़ा और बीटा में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है कि उस वॉल को पार करके एक साइड से दूसरे साइड बाहर आ सके। तो जबकि गामा रेडिएशन के पास इतनी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है कि वो वॉल को भी आसानी से पार कर सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसके पास रिमार्केबल पेनिट्रेटिंग पावर है। उसके बाद क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ये बात आप याद करके कि गामा रेडिएशन को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर है? चलिए देखिए आगे। अब हम थोड़ा सा देखते हैं बेसिक डिफरेंस, जो कि हम लोग के डेली लाइफ में जानते हैं कि दो तरह के रेडिएशन को हम अक्सर नाम सुनते हैं, वो है एक्सरे एंड गामा रे। तो ये जो गामा रे है वो एक्सरे से किस तरह अलग है वो देखते हैं। तो देखिए, लाइक एक्सरे एंड लाइट रे, गामा रे जो होता है वो गामा रे इज द लॉन्गेस्ट गामा रेज एंड द शॉर्टेस्ट एक्सरे। गामा रेज में लॉन्गेस्ट होता है और वो शॉर्टेस्ट एक्सरेज में होता है, एक्सरेज में वो शॉर्टेस्ट कहलाता है। ये होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो उसमें गामा एक्सरे होता है, तो एक्सरे का जो शॉर्टेस्ट है वो है मेरा गामा रे। उसके बाद देखिए कि द मेन डिफरेंस जो होता है, गामा रे रिजल्ट फ्रॉम द ट्रांजिशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। जैसे कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है, उसके अराउंड मेरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो और उसके आपने यहाँ से इस पे से हाईली पार्टिकल, एनर्जेटिक पार्टिकल को उसमें से डाला है, जिसका एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। जब ये इसमें से निकल के बाहर आता है तो इसका एनर्जी होता है हाफ एम बी डैश का स्क्वायर। तो इसके एनर्जी में डिक्रीज होने लगता है, तो ये जो एनर्जी डिक्रीज होता है वही एनर्जी मेरा होता है एक्सरे के फॉर्म में आता है। जबकि मेरा गामा रे की बात करते हैं, तो गामा रे मेरा हायर न्यूक्लियर स्टेट से लोअर न्यूक्लियर स्टेट में आता है, तब ऐसा होता है। यानी कह सकते हैं कि अनस्टेबल न्यूक्लिया है जो कि स्टेबल न्यूक्लिया में कन्वर्ट होता है, तब मेरा गामा रेज की बात करते हैं। क्लियर है? चलिए इसके बाद अभी हम गामा रे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और जानेंगे। तो देखिए, गामा रेडिएशन का सोर्सेस क्या है। तो गामा रेडिएशन जो हमने जाना है कि ऐसे तो अभी बताया कि अनस्टेबल न्यूक्लियस से स्टेबल न्यूक्लियस को प्राप्त करने के लिए वो गामा रेडिएशन इमिट करता है, बट हम इस पर और भी जानते हैं इसके प्रोसेस कैसे होते हैं इसके इमिशन के। तो गामा रेडिएशन जो प्रोसेस होता है, बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द टारगेट ऑफ एक्सरे ट्यूब, बेबिट्रॉन, लीनियर एक्सेलेटर्स में
और गामा रेडिएशन इन द कंटिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम, यानी हम कह सकते हैं कि जब हम इसके स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो ये डिस्क्रीट नहीं होकर कंटिन्यूअस होता है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या, तो देखिए डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में ये तो कि डिस्क्रीट जो भी होता है एनर्जी का जो भी फंक्शन होता है वो एन के फैक्टर में होता है, यानी जैसे जैसे पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी जैसे हम लोग जानते हैं कि ई इज इक्वल टू एन एच न्यू, एन एच न्यू कहने का मतलब होता है कि अगर आप एन के वैल्यू 1 to 4 डालिए तो एनर्जी लेवल डिस्क्रीट हो जाता है, जबकि अगर हम कंटिन्यूअस बात करते हैं तो वो एन पे डिपेंड नहीं करता और वो कंटिन्यूअस होता है। क्लियर है? फिर देखिए कि गामा रे फ्रॉम एक्साइटेड न्यूक्लियर स्टेट बाय द डिलेड ऑफ अल्फा एंड बीटा ऑफ रिलेटिवली लॉन्ग हाफ टाइम। देखिए गामा रे का जो रेडिएशन होता है वो एक्साइटेड न्यूक्लियर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, न्यूक्लियर स्टेट में होता है जिसका एनर्जी कम होता है, और इसका जो हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ पीरियड, यानी जिसमें कोई भी एटम अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के आधे पे पहुंच जाता है, वो कंपेरेटिवली अल्फा एंड बीटा के काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए गामा रेडिएशन को हमको देखना पड़ता है। क्लियर है? फिर देखिए इसके बाद होता है कि अब हम लोग आते हैं मल्टीपोल ट्रांजिशन, कि ये मल्टीपोल ट्रांजिशन क्या होता है। देखिए इन मैनी अल्फा एंड बीटा ट्रांजिशन द डॉटर न्यूक्लियर जो भी होता है, जब भी कोई अल्फा और बीटा ट्रांजिशन होता है तो जो डॉटर न्यूक्लियर होता है और जो पैरेंट न्यूक्लियर, हम लोग जानते हैं कि एक पैरेंट न्यूक्लियर होता है, कोई भी एटम का पैरेंट न्यूक्लियर होता है और उसका डॉटर न्यूक्लियर, तो जो पैरेंट न्यूक्लियर होता है वो अल्फा एंड बीटा ट्रांजिशन शो करते हुए वो डॉटर न्यूक्लियर में कन्वर्ट होता है। तो जब मेरे पास डॉटर न्यूक्लियर जो बनता है अगर वो एक्साइटेड स्टेट में है तो एक्साइटेड स्टेट में वो रहना नहीं चाहेगा, जो कि मैंने पहले बताया कि उसको स्टेबल स्टेट में जाना होता है, तो विच डज नॉट हैव एनफ एनर्जी टू इमिट अ न्यूक्लियॉन, सो डीके बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिशन। तो जब भी कोई डॉटर न्यूक्लियर है उसके पास इतना एनर्जी नहीं होता है कि वो कोई न्यूक्लियॉन को इमिट करके, न्यूक्लियॉन कहने का मतलब होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो अगर उसके पास इतना एनर्जी नहीं है कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इमिट कर सकता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिशन शो करता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिशन होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, हम उसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि फैक्टर जो होता है गामा रेडिएशन को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, तो जिसमें से एक होता है, पहला होता है न्यूक्लियर स्पिन, और दूसरा होता है कि डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल, दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो देखिए ये जो न्यूक्लियर स्पिन होता है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है अगर वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक पर्टिकुलर स्पिन में रिवॉल्व करता है, उसके पास आइदर क्लॉकवाइज स्पिन होता है या तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, ठीक उसी तरह एक न्यूक्लियॉन्स के पास एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनके पास भी ओवरऑल एक न्यूक्लियर स्पिन होता है, तो वो न्यूक्लियॉन स्पिन जो होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर स्पिन, तो वो या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी स्पिन जो होता है किसी भी एटम के स्टेट को क्या बोलते हैं इफेक्टिव इफेक्ट करता है। फिर देखिए उसके बाद होता है मेरे पास दो स्टेट्स होते हैं एनर्जी, फर्स्ट ये होता है एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट। तो जब आपके पास दो स्टेट होते हैं एक्साइटेड और ग्राउंड, तो इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि ये जितना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा रेडिएशन उतना फास्टली और उतना ज़्यादा होने वाले के चांसेस होते हैं। क्लियर है? फिर देखिए मेरे पास है, अभी मैंने आपको बताया था कि गामा रेडिएशन के दो टाइप्स होते हैं, तो देखिए गामा रेडिएशन के दो टाइप क्या क्या है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और दूसरा होता है मैग्नेटिक ट्रांजिशन। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होता है, मैंने अभी बताया कि एक डॉटर न्यूक्लियस के पास इतना एनर्जी नहीं होता है कि वो न्यूक्लियॉन्स इमिट कर पाए, तो जब वो न्यूक्लियॉन्स इमिट नहीं कर पाता है तो वो ईएम वेव रेडिएशन करता है, तो उसमें पहला है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो ये जो होता है इट अराइज ड्यू टू द चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी एक न्यूक्लियस के अंदर पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके चेंजेस के कारण ही इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन देखने को मिलता है। क्लियर है? और दूसरा ट्रांजिशन होता है जो कि है मेरा मैग्नेटिक ट्रांजिशन। ये होता है कि एक जैसे कि एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस के अंदर पे जैसे कि उसमें प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन है तो वो रिवॉल्व करते हैं तो एक मोमेंटम तैयार करता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है तो वहाँ पर मैग्नेटिक पोल्स भी तैयार होंगे, तो उस मैग्नेटिक पोल के डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस होने के कारण मैग्नेटिक ट्रांजिशन देखने को मिलता है जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट। ओके, तो ये मेरा गामा रेडिएशन का दो टाइप है, इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन एंड मैग्नेटिक ट्रांजिशन। तो हमने इन दोनों ट्रांजिशन को समझा है और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेसन में हम अपने आगे के चैप्टर मतलब कि इसका सिलेक्शन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे।